हे गाइस, आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। तो यहाँ पे मैं चाय वगैरह मैंने रखी हुई थी, यहाँ पे आंटी ने हलवा बना लिया था और मैंने ग्लव्स इसलिए पहने हुए थे कि मैंने उसके पेड़े बनाए थे। यहाँ पे मैंने चिकन चने बना लिए थे, जिसको ये रेसिपी चाहिए। चिकन चने बहुत मज़े के बने थे, मैं उनको रेसिपी शेयर कर दूँगी। और दूसरा, मैंने यहाँ पर रात को आटा गूंद रखा था, तो मैंने सुबह निकाल लिया था। और ये मेरा था आज का लुक सुबह मॉर्निंग का, क्योंकि मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, वो इसलिए कि सब लोग नमाज़ पढ़ के आते हैं, तो मेरे पापा वगैरह भी मेरे पास ही आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो है ना वेट कर रहे थे कि वो लोग आए, तो मैं गरम गरम पूड़ियाँ बनाऊँ। यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना ली थी, इतने मज़े की पूड़ियाँ बनी थी, फूली भी बनी हुई थी। और यहाँ पे हलवा बनाया था आंटी ने और मैंने सबको ब्रेकफास्ट करा के, अब मेरा टाइम हो गया था। मैंने अपना ब्रेकफास्ट करके, तो मीना का टाइम हो गया था, मीना को ब्रेकफास्ट करा रही थी। और मीना को ब्रेकफास्ट इसी तरह से कराया जाता है कि मीना को मैंने ऑयलिंग कर ली थी और जो है ना मीना का मैं वेट करती कि नाश्ता कर ले, तो फिर मैं इसको जो है ना मैं रेडी कर लूँ। यहाँ पे फाइनली मीना रेडी हो गई है और माशाल्लाह 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 बहुत प्यार लगी थी। ये मैंने इसका पाकिस्तान से लिया था, अलसना से मैंने इसका ड्रेस लिया था, तो जब मैं पाकिस्तान गई थी जनवरी में तब मैंने लिया था। और माशाल्लाह से मीना बहुत प्यार लगी थी। और ये मेरा था आज का लुक, ये था मेरा ड्रेस। और मैं बनाना भूल गई थी, वो इसलिए कि बहुत लेट हो गया था, बहुत काम था, जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाई। तो मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।